भाई लोग कमेंट आ रहा था जो चीज़ गुरुजी बताएं उसको प्रैक्टिकल दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, दिखाते हैं चारों चीज़ें प्रैक्टिकल। सबसे पहले गाड़ी के पास अगर पहुंचते हैं आप, चलाने के पहले आपको इंजन ऑयल चेक करना है। इंजन ऑयल चेक कैसे करना है, देखिए सामने देखिए, ये हमारा गेज होता है जिसमें पीला पीला पकड़ने का गोल टाइप का उंगली फंसाने का बना होता है, ठीक है। गेज खींच करके नीचे देखेंगे, सबसे नीचे दो छेद होते हैं, ठीक है, दोनों सुराग होते हैं, दोनों सुरागों को हमको उनके ऊपर तेल होना चाहिए हमारा इंजन ऑयल, ठीक है। दूसरा ये स्टेयरिंग ऑयल होता है, स्टेयरिंग ऑयल मैक्सिमम और मिनिमम दो लाइनें बनी होती है, ऊपर वाली मैक्सिमम होती है, नीचे वाली मिनिमम होती है। देखिए लिखा भी हुआ, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ऊपर वाले में मैक्सिमम लिखा हुआ है और नीचे वाले में मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम से हल्का सा ऊपर होना चाहिए, मतलब डिब्बा थोड़ा सा खाली होना चाहिए। तीसरा ये पानी का डिब्बा होता है जो हमारा कूलेंट चेक है, इसमें इस तरीके से खोल करके उंगली डालकर चेक करेंगे, अगर हमारी उंगली में पानी टच हो रहा है तो समझिए पानी है, अगर नहीं टच हो रहा थोड़ा सा पानी इसमें डालना होता है। ये तीन चीज़ें हो गई। चौथा हमारा एयर फिल्टर, दोस्तों कहाँ होता है, ये सामने हमारा एयर फिल्टर है, इसको साफ़ करने जो क्लिप लगी होती हैं इन्हीं क्लिप को खोल करके अंदर से एयर फिल्टर निकाल करके और जो है इसको साफ़ करना। कब साफ़ करना है, महीने में एक बार, हर महीने एयर फिल्टर अगर आप बराबर साफ़ करते रहेंगे तो आपकी समझिए गाड़ी का माइलेज अच्छा रहेगा, गाड़ी का इंजन फ्रेश रहेगा। कहते हैं फ्रेश एयर अगर मिलती है आदमी को, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन, साफ़ सुथरी ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो समझिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। उसके बाद हवा चेक करना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, टायरों में ऐसे हाथ मारना है आपको, अगर दोनों टायर एक ही तरीके से आवाज़ कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, तो समझिए हवा ठीक है। अगर एक ही तरीके से साउंड नहीं कर रहे हैं समझिए हवा गड़बड़ है, ठीक है। कैसे, फिर से आप चेक करिए, ये देखिए दोनों टायरों में ऐसे हाथ मार करके और चेक किया जाता है कि हवा ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये विशेष पॉइंट ध्यान रखना होता है। यही चार चीज़ें आप चेक करने के बाद में आपको हमेशा गाड़ी चलानी है, ठीक है। विशेषकर जब शुरुआत में हम ड्राइविंग करने जा रहे हैं तो पर डे हमको गाड़ी चलाने से पहले ये चारों चीज़ें बराबर हमको चेक करना है, ठीक है। अगली चीज़ आपको दिखाते हैं, जो आपने पूछा है क्लच ऑयल और ब्रेक ऑयल, वो कहाँ होता है दोस्तों बता दें, ब्रेक प्रेशर पे होती है, ब्रेक में ऑयल नहीं होता है। ये ऑयल जो हमारा स्टीयरिंग के बगल में यहाँ पर डिब्बा होता है, ये क्लच में काम करता है, ठीक है। लेकिन पड़ता इसमें अब क्लच ऑयल कौन सा है, तो क्लच ऑयल वही ब्रेक ऑयल ही होता है जो इस डिब्बे में डाला जाता है, ठीक है, डाला ब्रेक ऑयल ही जाता है, लेकिन काम वो क्लच में करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि बस का ब्रेक प्रेशर पे होता है और ये ऑयल जो हम यहाँ ब्रेक ऑयल डालते हैं ये हमारे क्लच में काम करता है, ठीक है। इस बात को हमेशा नोटिस रखेंगे दोस्तों। यही चीज़ें हैं जो हमें बाहर से जांच करनी है, चेक करते रहना है, कभी कोई ऑयल की कमी ना होने पाए, गाड़ी आपकी हमेशा मेंटेन रहेगी दोस्तों। यही पॉइंट होते हैं बस, बाकी अगर इस तरह चलाते रहें मालिक भी खुश रहेगा, गाड़ी भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे दोस्तों। विशेष करके ध्यान रखिएगा, और जो भी जानकारी होगी आपको धीरे धीरे हम देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।